गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन आ गया भाई? भव्या आ गई, सुरेश आ गया है। गुड इवनिंग हो गई है, कविता ने गुड इवनिंग कर दी भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग प्रियंका, देवांशी, कांक्षी है ना, और ऋषभ, साक्षी, अभी सब आ गए। इसका मतलब भाई सर लास्ट क्वेश्चन में डाउट है। कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा होमवर्क दिया था क्या? यस सर। गुड इवनिंग सर। बाकी सारे वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। प्रतिमा, प्रतिमा भी आ गई, लव कुमार भी आ गया, रजनी, सब बना बना। अच्छा सब बना बने हैं सर, वेरी गुड। सारे बना लिए टिल्लू ने? ठीक है भाई, टिल्लू ने सारे। सर 5 और 6 में डाउट है। और क्या बने बने गुरु जी? अच्छा अच्छा हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ बने बने गुरु जी, ये बने बने में समझा नहीं, बने बने क्या मतलब? सब बढ़िया है सर। सर छत्तीसगढ़ी में किसी को पूछते हैं? अच्छा यस। अच्छा सीजी में कैसे है वो? सीजी मतलब सर सीजी लैंग्वेज में पूछते हैं कि आप कैसे हो? छत्तीसगढ़ी सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया, आई एम फाइन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अपन करते हैं, जो अपन ने कर लिया था उसमें से कौन सा नहीं हुआ वो देखते हैं अपन। एक मिनट देखते हैं, मैं एक बार चौक ले लूं। तो बच्चों मेरे पास अब कल का तो है ही नहीं सर। संजय सर यार कल वाले क्वेश्चन तो मैं स्नैपशॉट करना भूल गया, जो होमवर्क दिया था। तो आपको कौन सा वाला नहीं बना बेटा, एक बार या तो स्ट्रक्चर दिखा दो मेरे को, कौन सा है किसी के पास? सर सर मैं दिखाता हूँ एक। हाँ हाँ कोई नहीं, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। मैंने जो आपको 5-6 जो भी दिए थे पूरे बन गए। अच्छा क्या सही है बेटा? आपने जो किया रजनी वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आपने रूल पढ़ा है R1, R2, R3 और आपने प्रायोरिटी टेबल सही लगाई है तो फिर आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। हेलो सर। हाँ बेटा एक बार सारे क्वेश्चन करा दिए सर, हम लोग चेक कर लेंगे। एक्चुअली मेरे पास क्या है वो स्नैपशॉट नहीं है उसका, तो वो इसी चक्कर मेरे को मैं देखा नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को। वैसे मेरे को एक दो तो याद है, जैसे एक तो मैंने ये लिखा था CHCN का होल थ्राइस, ये लिखा था पहला। यस सर फर्स्ट क्वेश्चन यही। इस वाले स्ट्रक्चर में और से देखें तो ये CH और CN 3 बार है, तो CN 1 बार, ये CN 2 बार और ये CN 3 बार। अब आप देखो आपके रूल के अकॉर्डिंग, देखो आपका रूल कहता है फंक्शन ग्रुप टॉप, तो साइनाइड टॉप पर है देखो ये, और तीनों को टिक कर दिया, लेकिन तीनों के तीनों एक चेन में नहीं आ सकते, तो इन तीनों को छोड़कर चेन बनेगी केवल एक, ये PCC हो गया। नंबर देने की जरूरत ही नहीं है, कभी नंबर तो एक ही मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले WR तो मैथ, 1 डिग्री S इन, और आपके पास 2 डिग्री S नहीं लगेगा, इसमें लगेगा SS, तो ये नाम बनेगा 1, 1, 1, ये ट्राई और कार्बो नाइट्राइल। मैं 1, 1, 1 नहीं लिखी हूँ, मैथेन ट्राई कार्बोनेट है। बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं यही बोलने वाला था कि इसमें वन लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने मीथेन बोला, मीथेन में एक ही होता है, इसलिए मैं यही बताने वाला था अभी आपको कि बेटा इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये तो मैंने लिख दिया ताकि सीक्वेंस चले भाई नियम के अनुसार, बाकी आपने अगर लिखा है मीथेन ट्राई कार्बोनेट है तो भी परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है बेटा। ओके सर। और पांच कार्बन का चेन है, ये लो पांच कार्बन का चेन था। सर नाम बोलते हैं आप, स्ट्रक्चर बना दीजिए फिर मैं कर देंगे। पहले दूसरे, पहले दूसरे और चौथे नंबर पे सी एच है, सेकंड का पेंटेन 1, 2, 4 ट्राई कार्बो कार्बल्डिहाइड। पहले पे एल्डिहाइड था और कहां एल्डिहाइड था? सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ। ये दिया था क्या?
यही है सर, यही यही है सर, ये स्ट्रक्चर का जिसको हो सकता है, मैंने आपको बोर्ड लाइन में दिया हूँ, तो रूल के अकॉर्डिंग चेक करके देखो, एल्डिहाइड ग्रुप को टिक करने के बाद ये तीनों चेन में नहीं आ सकते, तो चेन ये बनी थी आपकी, ये पहला रूल पीसीसी। रूल नंबर दूसरा नंबरिंग, अगर आप यहाँ से नंबरिंग देते हो तो 1 2 4, और अगर आप राइट टू लेफ्ट देते हो तो आपका 2, देन आपका यहाँ पर 3 सॉरी 4, और ये आपका 5। तो इसको देखो LLR से बताया, LLR में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यदि आपकी नंबरिंग ये काउंट होगी या नहीं होगी, इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से चली, ये आपका नंबरिंग का रूल खत्म। और अब आ जाओ डब्ल्यू डब्ल्यू आर, तो डब्ल्यू आर का पेंट, ये आपका इन पेंटिन, और आपका 1 2 एंड 4 ये हो गया ट्राई, और ये हो गया कार्बो कार्बो एल्डिहाइड। ये देखिए ये नाम बना, आपका चेक कीजिए क्या आपने यही बनाया। यस सर। बोल दीजिए फिर कोई भी एक नाम या स्ट्रक्चर जो भी। सर सर एक सेकंड, आप एक बार अपना अगर एतराज ना हो तो व्हाट्सएप चेक कीजिए ना। व्हाट्सएप में अपना फोन नहीं लाया। सर उसमें आपको इमेज भेजा था मैं। कोई बात नहीं, मेरे को नाम बोल दो, नाम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। साइक्लो ब्यूटेन साइक्लो कार्बोनाइट्राइल। साइक्लो ब्यूटेन कार्बोनाइट्राइल, ये साइक्लो ब्यूटेन, और ये जोड़ दिया इस दूसरे तरीके से। यस सर। फिर साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलेट, बिल्कुल सही। यहाँ से लिखा पहले मेथिल, फिर इसके बाद आपका ये रहा पीसीसी, तो देखो फंक्शन को बाहर हो गया, तो फिर नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। और अब की बार 2 डिग्री एस की जगह एस एस, तो नाम हो गया कार्बोक्सिलेट। तो आपने बिल्कुल सही ये नाम बनाया है, मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। सर मैं तो मेथिल को नहीं लिखी हूँ यहाँ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट ऐसे बस लिखी हूँ। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, हाँ साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट लिखी हूँ सर, मेथिल को नहीं लिख पाए। हाँ सर मैंने भी मेथिल नहीं लिखा। कोई बात नहीं, उसमें सीख लो। सर मैं मैथिल बाद में लिखी हूँ, हेक्सेन के बाद। मेरी बात समझो, गलती करना बहुत जरूरी है। आपको ये सीखना है कि ऑक्सीजन के साथ चाहे कोई भी मेटल आ जाए, चाहे कोई भी आपका रेडिकल आ जाए, कोई भी मूलक आ जाए, उसको सबसे पहले लिखना ही है, उसका कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब हिंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ये लिखा जाएगा। आपने नहीं लिखा तो गलती आपको पकड़ में आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही। और बोलिए उनका नाम, और क्या दिया बेटा, बस हो गए थे सर। 3-cyclopropyl-2-ketopropanoic acid। 3-cyclopropyl-2-ketopropanoic acid। तो देखो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर बना होगा वो 1 2 3, ये प्रोपेनोइक एसिड, क्लियर। और आपने 3-cyclopropyl, ये साइक्लोप्रोपिल यहाँ जोड़ दिया, एंड 2-keto, ये आपका 2-keto, ये स्ट्रक्चर बनना चाहिए, देख लो। करेक्ट, बन गया। ये बिल्कुल, तो आपका नाम बिल्कुल सही है, 3-cyclopropyl एंड 2-keto। कोई बच्चा चाहे तो 2-keto की जगह 2-oxo लगा सकता है। Yes. क्योंकि दोनों ही केसेस में ये इससे बात नहीं आएगा, इसलिए अगर किसी बच्चे ने 2-keto लिखा है तब भी सही है, किसी ने 2-oxo लिखा है तो वो भी सही है। सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज थी, कैसे बेटा इसको सर मैं मतलब इस पैरो लिखूं ऐसे कुछ साइक्लो ऐसे इसको साइक्लो लिख करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। नहीं देखो अभी देखो इसमें क्या दिक्कत होती है बता दूं आपको, आपने अगर रूल से चल रहे हो तो कभी कंफ्यूजन नहीं हो, रूल क्या है पकड़ो,
फंक्शन को टॉप प्रायोरिटी वाले को टिक करो, ये टिक कर दिए। पीसीसी के लिए काम करना पड़ता है। अब जैसे आपने टिक किया तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर अगली कंडीशन देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, फिर देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन की तीन की चेन आ गई है। हाँ, इसका मतलब नियम से चलोगे तो गलती कभी नहीं। आपके पीसीसी के बाद जो बच गया वो प्रतिस्थापी या सब्सीक्वेंट आंसर, कोई गलती होती नहीं है। तो मैं होप करूं सबके आंसर सही निकले। हाँ जी सर, एक बच गया। सर इसका नाम एक बार और बताइए ना प्लीज। किसका बेटा? सर इसी क्वेश्चन का। इस वाले का? यस सर। ये देखो, अब देखो जैसे ये स्ट्रक्चर दे दिया, वही चीज है। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? सबसे पहले पूरे कंपाउंड में अपन जब रूल नंबर वन लगाते हैं तो हम लेते हैं पीसीसी डेवलपमेंट और उसमें फंक्शन ग्रुप को सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को टिक हो गया। फिर उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को देखते हैं, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद अपन देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, तो नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो उसके आगे साइकिल स्टार्ट हो गई। आप साइकिल में घुस नहीं सकते तो चेन को यहाँ रोकना पड़ता है। तो ये आपका पीसीसी क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा रूल है नंबरिंग। तो नंबरिंग के अंदर फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, तो प्रायोरिटी का मतलब नंबर वन मिल गया। तो वन फिर टू फिर थ्री, इसका मतलब हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड में तीन कार्बन का प्रोटीन, ये तो हो गया डब्ल्यू आर प्रॉप। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये हो गया एन। और देखो ये रहा इसका टू डिग्री एस, तो टू क्योंकि इसमें आपने गलती से एस एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये चेन में आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑइक एसिड। तो देखो नाम बन गया प्रोपेन ऑइक एसिड। अब जो बच गया वो टू डिग्री पी होता है, तो ये बच गया साइक्लो का सी और ये ऑक्सो का ओ। तो अपन लिखते समय क्या कहेंगे? थ्री साइक्लो प्रोपिल एंड आपका टू ऑक्सो या टू कीटो। देखो नाम बन गया, सही है? यस सर, यस सर। कार्बोक्सामाइड। क्या बोलो, दोबारा बोलो। 5-methylcyclohex(2)-2-in सर 5 के आगे एन भी लगेगा, एन मिथाइल। और अगर आपने इसमें मिथाइल और जोड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर एन मिथाइल जुड़ जाएगा। और आपका टू पर इन है तो एक और ये दो। देखो ये स्ट्रक्चर दिया था क्या नीचे में? यस सर, यही था सर, नीचे में और मिथाइल बच गया है यार। सबसे पहले एन के पास मिथाइल, ये रहा एन मिथाइल। फिर आपने इसके साथ जुड़ी रिंग को नंबर वन, फिर जब आपने इसमें रूल नंबर सेकंड से नंबर देना शुरू किया तो आपका इसके बाद नंबर डबल बॉन्ड को मिलेगा। तो ये 2, ये 3, ये 4, सर 5 में मिथाइल है और सर 5th नंबर पे मिथाइल है। अब देखो आप सही है ना, टेबल बनाया था ना अपने? यस सर, ये अब राइट। इसका मतलब आप लोगों के दोनों तरफ से चेकिंग हो चुकी है और आपको आईयूपीएसी नेम देने का तरीका समझ में आ गया। तो चलिए इससे बाहर निकले ना जबन। चलिए इसको छोड़ के हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा हेडिंग डालो, नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग डालो आईयूपीएसी नेम्स ऑफ एरोमेटिक बेंजीनोइड
compounds. IUPAC name of aromatic benzenoid compounds. अब यहां देखो मैं आपको बताता हूं कि benzenoid compounds को IUPAC नाम देने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए, ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, इसके IUPAC नेम दो पर आधारित है, ये IUPAC नेम दो पर आधारित है। किन दो पर आधारित है मैं आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहला है रेडिकल बेस्ड, रेडिकल बेस्ड, रेडिकल के आधार पर भी इसका IUPAC नेम होता है, और दूसरा स्पेशल सफिक्स, ये आपको याद हो गया होगा, SS बेस्ड। तो देखो दो तरह के नाम बनेंगे एक ही कंपाउंड के, और दो तरह के नाम होते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो कैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो रेडिकल बेस में अगर मैं बात करूं तो नंबर वन आपको चेक करना है कि आपका रेडिकल कौन सा है। अगर आपका रेडिकल इस तरह का है जो याद होगा, तो हमने इस रेडिकल का नाम दिया था बेंजल, आपको याद होगा इस रेडिकल का नाम था बेंजल। और नंबर दूसरा अगर आपको याद हो तो बेंजीन से अगर हम तीन वैलेंसी निकालते थे तो आप इस रेडिकल का नाम देते बेंज या बेंजो, याद है आपको। तो ये आपको याद रखना है, दो रेडिकल इसका उपयोग होगा नंबर वन, और ये अभी आप जो कल सीख कर रहे हो ये। अब मैं दोनों का एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझना। जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए आप इस कंपाउंड को आप समझते हैं, लेकिन जल्दबाजी में नाम मत दो। सबसे पहले अगर IUPAC नेम इस रेडिकल पर भेज दे रहे हो तो सोचिए ये बेंजल का रेडिकल है कि बेंज या बेंजो का, बेंजो का, बेंजो का। एक दो तीन, तो आज के बाद किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में इन दोनों में से कोई भी एक रेडिकल हो तो ये वर्ड पहले लिखा जाएगा ये बेंज या बेंजो, और इसका सफिक्स लग जाएगा ऑइक एसिड या बेन लगा के एक एसिड, तो नाम बन गया देखो बेंजोइक एसिड। ये IUPAC नेम अपने नीट में और जेई मेंस में खूब चलता है, क्लियर। IIT के अंदर जो ज्यादा चलता है वो कौन सा है, IIT में यही कंपाउंड वापस से लिख रहा हूं, ये देखो आप, और अब आप चेक करके देखो आपके रूल के अकॉर्डिंग आप फंक्शन ग्रुप को टिक करके लंबी चेन नहीं खींच सकते, तो इस समय ये आपका बन गया PCC। तो आप सोचो इस समय इसका नाम कैसे बनेगा, तो जो PCC बना उसका नाम है बेंजीन, और इस फंक्शन ग्रुप का जो सफिक्स है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जो अभी जिसकी प्रैक्टिस आप कल करके आए, जिसका होमवर्क आपने आज दिया है। तो सोचिए इसके दो IUPAC नाम हो गए, दोनों के दोनों IUPAC बिल्कुल सही माने जाएं। तो आज के बाद इस बेंजोइक एसिड को हम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो वापस रिपीट करता हूं, आज के बाद एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड को IUPAC नाम देना हो तो रेडिकल के बेस पे देना हो तो ये दो रेडिकल पहचानो पहली बार, और अगर स्पेशल सफिक्स के बेस पे देना हो ये रहा, तो इस वाली बेंजीन को अलग करो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो ये रहा, अब आप देखो ये वाला नाम भी दे सकते हो और ये वाला नाम भी दे सकते हो, एक बार चेक करके देख लीजिए आप अपने आप को। शाबाश, वेरी गुड। एक रेडिकल के बेस पर है और एक SS के बेस पर है, और दोनों ही नाम बढ़िया है, दोनों ही नाम सही है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब
भवेश बिल्कुल सही बनाया, वेरी गुड शाबाश। साक्षी ने भी, कविता ने भी, वेरी गुड बिल्कुल सही जा रहे हो। भव्या ने बिल्कुल सही बनाया है, भवेश ने सही बनाया है, भवेश ने सही बनाया है, वेरी गुड। तो चेक कीजिए, एक ही कंपाउंड है, अगर आप उसमें रेडिकल ढूंढोगे तो रेडिकल ये रहा बेंजल, तो ये नाम बन गया बेंजल, और सफिक्स जोड़ दोगे तो एल्डिहाइड, तो नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। और अगर अपन इस कैटेगरी से लें तो बेंजीन, ये बेंजीन, और इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बो एल्डिहाइड, तो देखिए आपका नाम बन के तैयार। अब इन दो एग्जांपल से मुझे क्लियर कर दो समझ में आ गया कि नहीं, बाकी को फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। यस सर, वेरी गुड। यस, तो फिर इसका मतलब इसका स्नैपशॉट खींच लीजिए, इसी के बेस पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक बार और बताइए सर। हां बेटा, मैं क्लियर कर देता हूं, आज के बाद जब भी एरोमेटिक बेंजीनोइड कंपाउंड्स आए तो उनके दो आईयूपीएसी नेम होंगे, एक तो इस रेडिकल या मूलक पर आधारित, आपको चेक करना पड़ेगा उसमें बेंजल है कि बेंज है, और पीछे सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगा देना, जैसे देखो मैंने लगाया ऑइक एसिड का सफिक्स, या मैंने लगाया देखो एल्डिहाइड का सफिक्स, तो नाम बन जाता है आपका आईयूपीएसी। लेकिन अगर आप बेंजीन को पेरेंट बना के निकाल दो तो फिर ये आपका स्पेशल सफिक्स आएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सामाइड या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट या फिर आपका कार्बोक्सिलेट, वो सारे जो मैंने आपको छह कराए वो सब के सब इसमें आ सकते। तो अब मैं आपको दे रहा हूं इसका होमवर्क, नोट कर लेना। सर ये बेंजीनल नहीं हो सकता है? बेंजीन, बेंजीन कौन सा? ये ना बेंजीनल। अब बेटा आप तो लगता ही ना, आप दिमाग लगाओ, आपने किसको बेंजीन लिया, ये ना, तो ये तो बाहर हो गया ना, तो अपना रूल है कि अगर फंक्शन रूल बाहर हो जाए तो फिर स्पेशल सफिक्स लगता है। आप तो ऐसे को लगा रहे हो 2°S, मैंने मना किया ना, 2°S तो लगाना ही नहीं है, आप गलत कर रहे हो, आधा पार्ट तो आप ये ले रहे हो, आधा पार्ट फिर 2°S ले रहे हो, 2°S तो तब लेते हैं जब हम इसके कार्बन को पीसीसी में जोड़ देते हैं। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अल कब लगेगा, अल तब लगता है जब आपके फंक्शन ग्रुप का कार्बन पीसीसी के अंदर चला जाता है, ये कब है, ये दोबारा है, मतलब सर वो स्ट्रक्चर का नाम दोनों हो सकता है ना, दो किसका सर, वही स्ट्रक्चर जो लिखा है मतलब आप बनाए हो उसका नाम दोनों हो सकता है, दोनों ही है, दो दो आईयूपीएसी दोनों ही है, मतलब दोनों बिल्कुल परफेक्ट है सर, एक में नीट में और जेई मेंस में एक ही नाम चलता है, ये वाला रेडिकल बेस नाम ही खूब चलता है, लेकिन आईआईटी में इसका भी खूब यूज करता है, तो आपको तो दोनों ही आना चाहिए, आपको तो दोनों आना चाहिए। सर फर्स्ट वाले में ओइक एसिड क्यों लगा था फिर बेटा? सर बेंजोइक तो बेंज के आगे ओइक एसिड तो भी फेमस हो गया ना बेटा, आपने बेंज के आगे लगाया ओइक एसिड, इसी तरह देखो बेंज के आगे एल्डिहाइड छोड़ा ना, कॉमन नेम यही तो था, ये नाम इसमें जुड़ गया, ये आपने कॉमन नेम से तो लिया है जो कि आईयूपीएस बन गया है। चलो बाकी प्रैक्टिस कराए तो देखो ये, फिर आपको होमवर्क प्रैक्टिस करो देखो ये, मतलब सर उसका नाम होना चाहिए था बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, लेकिन फेमस हुआ बेंजल्डिहाइड से, ऐसा ये फेमस नहीं बेटा, दोनों आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है, रूल के अकॉर्डिंग तो ये आईयूपीएसी ज्यादा बेटर था, ये बहुत फेमस हो गया, लेकिन हमारी आईयूपीएसी ने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों ही आईयूपीएसी नाम है, ये भी आईयूपीएसी और ये भी आईयूपीएसी, दोनों का आईयूपीएसी हो गया। चलिए सर, दो दो आईयूपीएसी नेम, रेडिकल पर बेस और एसएस बेस, इसके भी दो नाम बनाओ, रेडिकल पर बेस और एसएस बेस, इसके भी दो नाम बनाओ, रेडिकल बेस और एसएस बेस।
ये लीजिए, अब आपके सामने मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैंने आपके सामने भी लिख दिया है, अभी आप चेक कर लीजिए दोनों तरह के नेम ताकि आपके आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। जमीन वाले कलर यार माइक म्यूट कर लो किसका चालू है। लव कुमार एल्डिहाइड कॉमन नेम है बेटा लेकिन बेंजीन के लिए नहीं, अगर बेंजीन के अंदर अपन रेडिकल में एल्डिहाइड जोड़ देते हैं तो वायु पीएसी बन जाता है, ध्यान रखना। अगर सामान्य तौर पे एल्डिहाइड लिखते हैं तो कॉमन नेम होता है, लेकिन अगर आपने रेडिकल निकालने के बाद एल्डिहाइड जोड़ा तो वायु पीएसी बन जाता है, तो आपने जो बेंजल्डिहाइड बोला है वायु पीएसी में गिना जाएगा। वायु पीएसी क्या करता है, कोई भी नाम जब फेमस हो जाता है तो उसे वो ग्रहण करके आईयूपीएसी का नाम देता है, तो बेंजल्डिहाइड को भी आईयूपीएसी का नाम दे दिया गया। इसलिए मैंने आपको हिंट दिया है कि इनके दो दो आईयूपीएसी नाम होंगे, इसीलिए जब भी करो तो तुलनात्मक यानी कंपेरेटिव स्टडी करो। वेरी गुड भव्य, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो प्रियंका, रजनी बिल्कुल सही, शाबाश भावेश बिल्कुल सही बनाया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहो। वेरी गुड, शाबाश बेटा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो। एक मानसी बिल्कुल सही, साक्षी वेरी गुड, शाबाश, आहुति बिल्कुल सही, बिल्कुल कंसेप्ट आपने पकड़ लिया, कंसेप्ट पकड़ोगे फिर गलती नहीं होगी। इसीलिए कंपेरेटिव स्टडी करते समय एक काम किया करो, जैसे इन चारों का पहले सबका रेडिकल निकाल दो पहले पहले नंबर पे, ताकि आपको एक कंपेरेटिव स्टडी समझ में आ जाए। और आप बिल्कुल सही कर रहे हो बेटा, यहाँ गलती हो रही है बेटा, कविता आपने बेंजिल क्लोराइड लिखा है, बेंजिल क्लोराइड गलत है बेटा, वर्ड पूरा नहीं बन रहा, बेंजिल क्लोराइड गलत है बेटा, सही कर लेना बेटा। मानसी ने बिल्कुल सही लिखा है, शाबाश, साक्षी बिल्कुल सही है, हाँ शाबाश, कल्पना, कल्पना ने भी सही लिखा है, शाबाश, और सोनम ने भी सही लिखा है, बेंजोइल क्लोराइड बिल्कुल सही, प्रिया कवर ने भी सही लिखा है, गुड, भावेश तो सही चल रहा था, भव्या भी सही था, कल्पना प्रियंका बिल्कुल सही जा रहा है बेटा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो चलिए अपन चेक करते हैं बेटा, शुरू करें, हेलो
बिल्कुल सही, शाबाश, सबने बिल्कुल सही लिखा बेटा, वेरी गुड। अब एक बार देख लो, ये जो चार कंपाउंड अपन ने लिए, इन चारों को पहले अपन रेडिकल के बेस पे देखेंगे। नंबर वन, तो इसमें जो रेडिकल है देखो, वन टू थ्री, इसमें भी रेडिकल है देखो, वन टू थ्री, इसमें भी रेडिकल, वन टू थ्री, इसमें भी रेडिकल, वन टू थ्री। इसका मतलब सबके रेडिकल्स के नाम में बेंज या बेंजो, देखो ये कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब इन सबके नाम में पहला वर्ड बेंज आएगा। ये देखो ये कॉमन फैक्टर हो गया, देखो बेंज। और अब इसका सफिक्स जोड़ देते हैं, तो बेंज के आगे ऑयल क्लोराइड, ये बेंज के आगे एमाइड, ये बेंज के आगे ओएच, और आपको ध्यान है ऑक्सीजन के साथ जो लिखते हैं वो पहले आ जाता है, तो नाम होगा इथाइल बेंजोएट, और ये बेंज के आगे हो जाएगा इसका सफिक्स ओ नाइट्राइल। अब आप चेक करके देखो, पहला रेडिकल पर बेस चारों का आईयूपीएसी नेम एक जैसा लिखो, सब के सब बेंज या बेंजो से बने। देखो बेंजोइक क्लोराइड, बेंजामाइड, एथिल बेंजोएट और आपका बेंजो नाइट्राइल। अब दूसरा लेते हैं अपन एसएस बेस। एसएस बेस में क्या होगा, ये बनेगा पीसीसी, ये पीसीसी, तो सबके अंदर एक वर्ड आएगा बेंजीन, ये पीसीसी का वर्ड आ गया बेंजीन। देखो चारों के अंदर कॉमन फैक्टर हो गया बेंजीन, देखो चारों के अंदर कॉमन फैक्टर हो गया बेंजीन। ये होती है कंपैरेटिव स्टडी, हो गया बेंजीन। और अब सब में स्पेशल सफिक्स चिपका दो, तो इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका स्पेशल सफिक्स है कार्बोक्सामाइड, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने पारंगत होगे। इसका कार्बोक्सिलेट, लेकिन आप जानते हो कि जब एस्टर आता है तो एथिल पहले लिखते हैं, तो नाम हो जाएगा एथिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, और इसका लोगे तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब आप चेक कर लो, आप सभी जने सही हो, चेक करके देख लो आप सबने सही लिखा बेटा। यस सर। हाँ बिल्कुल, आप देखो बेसिक लॉजिक आपके सामने ये रहा, तो रटने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपका बेस क्लियर है, आपको दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि आज के बाद जब भी बेंजीन एरोमेटिक के कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम आए, हम दो दो आईयूपीएसी नाम दे सकते हैं और दोनों चेक कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी बेटा। मेरा कंफ्यूजन हो रहा है सर, एग्जांपल एक आके एग्जांपल देकर और बताइए तो। कौन सा बेटा? मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर दोनों में। आवाज नहीं आ रही, क्लियर बोल सर। उसको कंफ्यूजन हो रहा है और एग्जांपल दीजिए बोल रहा है। अच्छा कंफ्यूजन, किस पे कंफ्यूजन हुआ सर? तीसरा क्या लिखा है बताइए तो। कौन सा हो गया सर? ये वाला? हां ये एस्टर का। हाँ सर, ये लो सर एस्टर का नहीं। देखो जैसे ये आ गया, अब एग्जामिनर कहता है इसका आईयूपीएसी नाम दो, तो इसका आईयूपीएसी नाम आप जो दोगे वो दो तरीके से दोगे। पहला नाम दोगे रेडिकल बेस्ड, तो जैसे रेडिकल बेस पकड़ोगे तो इसका रेडिकल जो है वो ये है, देखो ये ना इसमें छुपा हुआ रेडिकल ढूंढो, तो ये रेडिकल आपको ये दिखाई दे रहा है, देखो एक दो तीन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन हट के देखिए रेडिकल। और आपको ध्यान है इस रेडिकल को अपन नाम देते हैं बेंज या बेंजो, दोनों में से जो मर्जी है वो लिख लो। और अगर आपने यहाँ पर अब वापस से लाओ, तो बेंज लिखा है तो ओएट लग जाएगा और बेंजो लिखा है तो एट लग जाएगा, नाम वही बनेगा, तो नाम बन गया बेंजोएट। और आपको ध्यान है ऑक्सीजन के साथ जिसको लिखते हैं वो पहले लिखा जाता है, तो मैथिल बेंजोएट, ये नाम बन गया। अगर मैं आ गया, अब दूसरा एस एस स्पेशल सफिक्स पेज, स्पेशल सफिक्स में ये हिस्सा बाहर हो जाता है और ये बन जाता है पीसीसी, तो इसका नाम होगा बेंजीन, ये पीसीसी का नाम बेंजीन।
और जो बाहर आ गया उसका आपको अच्छी तरह पता है क्या लिखते थे अपन, कार्बोक्सिलेट। ये आपको याद होना चाहिए स्पेशल सफिक्स। अब नाम बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलेट, लेकिन ये मैथिल सबसे आगे लिखा जाएगा। हर एस्टर के चाहे कॉमन नेम हो चाहे यूपीएससी नेम, ऑक्सीजन के साथ जो लगेगा वो पहले लिखा जाए। अब नाम बन के तैयार हो गया, देख लो। अब जैसे कल को पेपर में लिखा हुआ जाता सोडियम बेंजोएट, तो आप क्या करते, बहुत इजी, यहां से बनाते हैं बेंज, तो ये रहा आपका बेंज, ये रहा बेंज ओएट, ये रहा आपका ओएट, और ये सोडियम एनएल लिख देंगे नाम बन के दिया। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर बताए थे उसी को फिर से बताइए ना, किसको? चौथा वाला क्वेश्चन पहले बताए थे। चौथा क्या था? चौथा क्या था सर? वो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलेट वाला। कौन सा? इसका वाला सर, जो होमवर्क दिए थे ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन कार्बोक्सिलेट। अच्छा होमवर्क पूछ लो क्या? ये जिसने बोला बताए बेटा मेरे को, क्या होमवर्क पूछ रहे हो क्या बेटा? हाँ सर। तो होमवर्क वाले ने, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिया था, ये वाला नहीं सर, चौथा वाला था, चौथा वाला मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ये वाला Yes, sir. अब देखो आप कंफ्यूज ना हो रहे हो, इसको आप बेंजीन समझ रहे हो, बेंजीन थोड़ी है, बेंजीन तो ये थी, ये बेंजीन थी, दोनों में अंतर आ गया। देख लिया इसमें, इसके नाम में इसके दो यूपीएससी नाम है, इसका एक यूपीएससी नाम, इसका यूपीएससी नेम जब आपने दिया था ऑक्सीजन के साथ मैथिल तो पहले लिख दिया मैथिल, फिर आपने पीसीसी निकाला तो पीसीसी निकला था साइक्लोहेक्स एंड एन, ये निकला था, और जबकि इसका पीसीसी निकाला तो मैथिल लिखने के बाद आपने निकाला बेंजीन, तो दोनों में अंतर आ गया। देखो इसका साइक्लोहेक्सेन है, इसका बेंजीन, और इन दोनों का सफिक्स कॉमन है, इसके आगे भी लग गया कार्बोक्सिलेट और इसके आगे भी लग गया देखो कार्बोक्सिलेट, देखो नाम में अंतर आ गया। शक्ल एक जैसी मत सोचो, दोनों में अंतर है, ये साइक्लोहेक्सेन है ये बेंजीन है, क्लियर? ओके सर क्लियर। अब इसके बाद बेटा अपनी हेडिंग चेंज करो और आपका ये आईयूपीएससी का पहला पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब ऐसा पार्ट ले रहा हूं जिसके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहती है, लगभग आपका यूं समझ लीजिए 99% काम हो गया, नोमेनक्लेचर का 99% पार्ट निकल गया। अब 1% में छोटा सा पार्ट जो बच जाता है वो अपन लेने जा रहे हैं बाई साइक्लो, ये लेने जा रहे हैं अपन बाई साइक्लो। पहले इस बाई साइक्लो का वर्ड मीनिंग समझ लो, बाई का मतलब होता है दो और साइकिल का मतलब होता है रिंग्स, यानी कि दो बले वाला यौगिक, यानी ये कंपाउंड आपके डबल रिंग्स वाले होते हैं। अब इन डबल रिंग्स वालों का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पहले समझ लो, क्योंकि इस बेसिक से इसका आईयूपीएससी नाम बनेगा। तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो देखो जैसे मैंने ये चार कार्बन की एक रिंग बनाई, सबसे छोटा बाइसाइक्लो बना रहा हूं, तो इसमें इसमें एक ही रिंग है, लेकिन अगर मैं इस कार्बन को इस कार्बन से और जोड़ दूं तो देखो दो दो रिंग्स हो गई R1 एंड R2 बाइसाइक्लो, तो जिसमें तिरछा यानी ये स्ट्रक्चर जो बनाऊंगा मैं, तो इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखो तो मैं ऐसे ही बना सकता था, ये इसको कहते हैं बाइसाइक्लो। तो आज के बाद अगर आपको ऐसे कंपाउंड्स मिले जिनमें आपको ये दो रिंग्स दिखाई दें तो ये बाइसाइक्लो कहलाएंगे, लेकिन इन बाइसाइक्लो को समझने के लिए पहले इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लो। इस वाले बाईसाइक्लो में आपको ये जो दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं
हेड ऑफ कार्बन है। बस देखो ये दोनों रिंग्स को जोड़ रहे हैं, या मैं यूं कहूं कि ये वाला कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री बन सकता है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो सकता है। तो जो भी आज के बाद 22 साइक्लो में 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन हो तो वो रिंग को दो भागों में बांट देगा। तो इनको क्या नाम दिया जाएगा? इनको नाम दिया जाएगा BHA। इस BHA का मतलब होता है ब्रिज, H का मतलब है हैंड, और A का मतलब होता है एटम। इसका मतलब कह सकते हैं सेतु सिरे परमाणु। इसका मतलब सेतु का मतलब हो गया पुल। तो आपके जो ये पुल है, देखो ये पुल बनता है, देखो तो ये वो दो कार्बन हैं जो दो वलयों का निर्माण करते हैं, उन्हें BHA कहा जाता है। अब आप सोचो बाकी बच्चे जितना भाग बच गया उन्हें कहा जाता है ब्रिज। इसका मतलब इन दोनों को छोड़कर अब जो बच जाए उन्हें कहा जाएगा ब्रिज। जैसे इस समय ये ब्रिज है, जैसे इस समय ये ब्रिज है, जैसे इस समय ये ब्रिज है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला पूरा भाग ब्रिज कहलाता है। तो इसका मतलब इसको कहते हैं सेतु। यानी आज के बाद आप सीख लो कि बाई साइक्लो कंपाउंड में हमें दो चीजें समझनी है, एक तो ब्रिज है जो दो होने चाहिए और सेतु जो तीन होने चाहिए, एक सेतु दो सेतु तीन सेतु, जो इन दोनों को जोड़ेगा, यानी जो BHA को जोड़ते हैं वो तीनों कहलाते हैं आपके सेतु। अब पॉइंट ये आता है कि जो आपने यहाँ पर सेतु बनाया, अब इसका नाम कैसे होगा पहले समझ लो। तो इसका नाम कैसे बनता है ढंग से समझना। इसके नाम के अंदर वही तरीका है 2 डिग्री P 1 डिग्री P WR 1 डिग्री S 2 डिग्री S या SS, वही नाम का तरीका है, लेकिन एक हल्का सा अंतर है। वो अंतर क्या समझाए तो इस WR से ठीक पहले एक ब्रैकेट बने और उस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा X.Y.Z। ये तीन अंक होंगे, कैसे निकलेंगे तीन अंक मैं सिखाऊंगा अभी आपको। और साथ में इस 1 डिग्री P का नाम होगा बाईसाइक्लो। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं इसका तरीका कैसे। जैसे इस समय इस योगी का नाम मुझे देना होता तो देखो ये योगी किया, अब देखो इसके अंदर मैं आपको बताता हूं इसका नाम कैसे देते हैं। इस समय अगर आप चेक करते हो तो इस ब्रिज हेड और इस ब्रिज हेड में ये तीन ब्रिज हैं। अब इस तीन ब्रिज में आप चेक करो, इसमें एक कार्बन है, इसमें 0 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन। तो हमारा नाम कैसे बनेगा गौर से देखना। हम इसका नाम बनाते समय लिखेंगे पहले बाईसाइक्लो, ये बना बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, ये रहा एक्स का मान होगा जो सबसे बड़ा, बिल में सबसे बड़ा कौन है एक, चाहिए ले लो चाहिए ले लो, एक ही बात होता है एक। फिर उसके बाद जो बाकी दो बच्चे उन्हें बड़ा कौन है तो ए, ये एक आ गया। और अब सबसे अंत में छोटा, तो इसका नंबर आ गया 1.1.0। और अब आप चेक करो टोटल कार्बन है 4, तो डब्ल्यू का हो गया ब्यूट, और ये आपका सिंगल बॉन्ड है तो ये आपका हो गया एन। तो इसका IUPAC नेम हो गया बाईसाइक्लो 1.1.0 ब्यूटेन। सर वंस मोर, बिल्कुल वंस मोर ही करूंगा, लेकिन पहले इसको स्नैपशॉट करो क्योंकि अभी इसको 4 बार समझ रहा हूं अभी। ये ब्रैकेट वाला समझ में नहीं आया, अभी आएगा सर ब्रैकेट वाला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले इसको कॉपी स्नैपशॉट कर दो, मैं इसको अभी दूसरे एग्जांपल से रिपीट करने वाला हूँ। जब तक आप खुद बनाने लायक नहीं हो जाओगे मैं रिपीट करता रहूंगा, लेकिन उसका मेरे को पता है कहां तक रिपीट करना है, इसलिए पहले आप एक बार इसको स्नैपशॉट कर लो, फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लिया। यस सर डन। हाँ बिल्कुल। अब देखो इसके अंदर मैं आपको इसका अगला एग्जांपल पे ले जाने जा रहा हूँ। आपको पहले मैं वापस से हिंट दे रहा हूँ समझना, आज के बाद जितने भी बाईसाइक्लो होंगे उनमें दो तो होंगे ब्रिज हेड और आपके तीन होंगे ब्रिज, यानी एक्स वाई जेड। और हमेशा ध्यान रखो एक्स जो होता है वो बड़ी वाला नंबर होता है,
वाई जो होता है वो उससे छोटा नंबर होता है और जेड जो होगा वो सबसे छोटा होगा अगर तीनों अलग अलग हुए तो। अब कैसे मैं आपको एग्जाम्पल में चेंज करके दिखाता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले रहा हूँ इसी एग्जाम्पल के साथ में, क्लियर? अब की बार मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल ले लिया, देखो अब की बार मैंने ये एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को पहला तरीका तो जो मैंने आपको दिया ये रहा, दूसरा तरीका जो पेपर में ना के बराबर आता है वो क्या आता है, कार्बन के बेस पर। देखो यहाँ कार्बन, मेरा कार्बन और इसके साथ दो कार्बन जुड़े हैं, तो ये CH2, ये CH2, यहाँ इन दोनों को जोड़ रहा है एक कार्बन, तो ये आ गया CH2 और इसको जोड़ रहा है एक दो तीन, तो मैं लिखूंगा CH2 और ये लीजिए वैलेंसी पूरी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से मैंने यहां दिखा दिया। देखो अब आपके सामने एक तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं मैं, उसको कहते हैं 3D तरीका। 3D तरीका क्या होता है, इनके अंदर से किसी भी ब्रिज को पकड़ के लटका दो, जैसे मैंने यहां से पकड़ा और इसको ऐसे लटका दिया, तो सोचो अगर मैं इसको जैसे ही पकड़ के लटकाऊंगा देखो इसका 3D स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ये देखो ये आता है पेपर में 3D स्ट्रक्चर में। 3D कैसे बनाया, ये वाला कार्बन पकड़ के ऐसे लटका दिया, तो देखो ये कार्बन ऊपर लटका हुआ, देखो अब आपको इसका 3D फॉर्म समझ में आ गया। कोई बच्चा कहता है कि सर मैं इसकी जगह पर इसको पकड़ के लटकाऊं, तो सोचो अगर आप इसको पकड़ के लटकाओगे तो फिर आपका स्ट्रक्चर देखो ये रहा और ये आपने इसको पकड़ के लटका दिया, आपको बकायदा 3D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। पहले चेक करके क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया बिल्कुल, ये 3D स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब अगर सर इमेजिन ही नहीं हो पा रहा है, अगर कोई बच्चा कहता कि सर इसको पकड़ के लटका दो तो फिर ये दोनों नीचे रह जाते, तो ये दोनों नीचे रह जाते, तो ये ऐसे लिखे जाते। सर ये 3D वाला इम्पोर्टेंट है क्या? ये मैं 3D ऊपर ले आया, देखो ये रहा 3D ऊपर, तो ये देखो ये 3D ऊपर आ गया, ये मटकारे झटकाने वाला काम बड़ा हुआ है सर। अब सर ये इम्पोर्टेंट है क्या 3D वाला, समझ नहीं आ रहा है। बेटा 3D वाला इम्पोर्टेंट है, पेपर में 3D ही ज्यादा आएगा, अगर पेपर में आया तो 3D आएगा। 3D बहुत ही इजी है, दिमाग लगाओ, तीन ब्रिज होते हैं, एक दो तीन, किसी भी एक ब्रिज को ऊपर खींच के बाकी दो को नीचे छोड़ दो तो आपका 3D, जैसे देखो मैंने इसको पकड़ा, ये देखो ये रहा, तो देखो ये वाला हिस्सा ये रहा, और देखो इस समय आपको दिखाता हूं ये है ब्रिज है, इसको कहते हैं BHA, देखो इसमें से तीन निकल रहे हैं, देखो एक दो तीन, तो देखो ये रहा ब्रिज है। अब आप सोचो इसको मैंने इसमें बदला है तो मैंने क्या करा, इसको पकड़ के ऊपर ले गया, तो देखो बाकी दो नीचे रह गए, देखो ये, और नंबर सेकंड अगर मैंने इसको पकड़ा है देखो ये रहा, तो फिर ये और ये नीचे, देखो ये वाला ये रहा और ये वाला देखो ये रहा, और वही आपका देखो ये रहा ब्रिज है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से देखो अगर मैंने इसको ऊपर खींचा, देखो ये रहा, यहां से पकड़ के मैंने इसको लटका दिया, तो ये दो नीचे रह गए, तो देखो ये रहा ब्रिज है। अब आप पहचान लो जितने भी बाईसाइकिल आएंगे उसमें दो तो ब्रिज हेड्स होने चाहिए, तो आपके सामने कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए सबसे पहले तो दो ब्रिज हेड पहचानना है, सीखो। और ब्रिज हेड एक्स किसको कंसीडर करेंगे और वाई जेड? अरे वहां तो मैं पहुंचा ही नहीं, पहले ब्रिज हेड तो पकड़ो और उसके बाद एक्स वाई जेड तो बताऊंगा भी। पहले ब्रिज हेड, एक काम एक टाइम में एक चीज, मैं बार बार मेंडल क्यों बोलता हूँ यही रीजन है, एक टाइम में जो बोला जाए सिर्फ वो सोचो। तो क्या सबसे पहला पॉइंट ब्रिज हेड समझ में आ गया? वन टाइम और कीजिए सर, उसके बाद आपको इसके 3D स्ट्रक्चर समझ आ गए? नहीं सर। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गए ब्रिज हेड्स और अब ये बचे ब्रिज एक्स वाई जेड। अब एक्स का मान सबसे ऊपर, तो गौर से देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं दो कार्बन, तो इसका मतलब इसमें दो कार्बन है, इन दोनों को जोड़ रहा है केवल एक ही कार्बन, इसमें केवल एक ही कार्बन है, और इन दोनों को जोड़ रहा है कितने कार्बन है,
तीन कार्बन एक्स वाई जेड क्लियर हो गया। एक्स होता है बड़ा रिंग, वाई होता है उससे छोटा रिंग, थ्री टू वन होता है सबसे छोटा, तो इसमें सबसे बड़ी रिंग कितने की है? थ्री की। थ्री डॉट टू, टू डॉट वन, वन बस हो गया आंसर। अब आप चेक करो इसका आईयूपीएसी नाम बनाते हैं। आईयूपीएसी नेम सबसे पहले आपका डब्ल्यू आर, यहाँ आएगा ब्रैकेट, वन डिग्री एस, टू डिग्री एस, वन डिग्री पी, टू डिग्री पी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन डिग्री पी बाई साइक्लो, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ब्रैकेट में ये नंबर फिट हो जाएंगे, थ्री डॉट टू डॉट वन। अब डब्ल्यू आर में गिन लो कितने नंबर हो गए टोटल। तो टोटल नंबर गिनने की एक ट्रिक भी है, टोटल नंबर कुछ बच्चे तो इसमें से गिनते हैं और कुछ समझदार होते हैं वो कैसे गिनते हैं कि भाई ब्रैकेट में अपन पहले ही गिन चुके हैं। ब्रैकेट में देखो इनकी वैल्यू तो पहले आ चुकी है, तीन और दो पांच और छह, लेकिन किसको नहीं गिना था हमने? हमने किसको नहीं गिना? ब्रिज हेड्स को। ब्रिज हेड्स कितने होते हैं? दो। दो टोटल जोड़ में दो जोड़ दो, तो तीन और दो पांच और छह और दो जोड़ते हो तो तीन आठ और ये आगे एन। ये लीजिए आपका आईयूपीएसी नाम क्लियर। ये आपके पहले एग्जाम्पल के बाद दूसरा एग्जाम्पल में आपका कंसेप्ट पहले के मुकाबले ज्यादा सही हो गया। क्लियर है? अभी अभी ओके नहीं है, ओके दो एग्जाम्पल के बाद करूंगा। ये पहला एग्जाम्पल बनाया, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल बनाया, अब तीसरा दूंगा। उस तीसरे में अपन अब थोड़ा सा और फास्ट चल पाएंगे, तो पहले इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, आप स्नैपशॉट कर लो। सर एक नेम से स्ट्रक्चर वाला भी अभी बनाएंगे बेटा, अभी अभी जल्दबाजी मत करो, पहले आप स्ट्रक्चर से नाम बना दो सीख लो, फिर तो उल्टा चल लेंगे। रिवर्स गियर तो मैं लिखवा दूंगा, पहले आप ये चीज धीरे धीरे सीखो। सर मतलब जो ब्रिज हेड रहेगा उसमें से सिर्फ एक ही कार्बन को कंसीडर करेंगे? कौन? ब्रिज हेड से एक ही कार्बन को कंसीडर करना है। ब्रिज हेड हमेशा दो होते हैं भाई, नदी के दो किनारे होते हैं, नदी के जो किनारे हैं वो ये किनारे हैं, ये नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, तभी अपन ने इसका नाम तो रखा है ब्रिज। सर एक्स वाई के केस में जब एक्स वाई निकाल एक्स वाई जेड निकाला होगा तब एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड की वैल्यू में कुछ नहीं, वो जीरो भी हो सकती है। अभी मैं जीरो वाला एग्जांपल भी दूंगा जो मैंने दिया भी था, फिर दूंगा भी आपको, लेकिन पहले मैं इसको साफ करने जा रहा हूँ, अगले एग्जाम्पल को फिर समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि तीन या चार एग्जाम्पल के बाद आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। देखो ये आपकी बात, देखो मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया है, अब पेपर में सपोज करो ये एग्जांपल आ गया, अब इस एग्जांपल में अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, और अगर दिक्कत आए तो गौर से देखो, ये है ब्रिज है। अब जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है उसको समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं, इसको पकड़ रहा हूं, खींच रहा हूं, तो इसको खींचूंगा देखो तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको मैंने नीचे की तरफ खींचा, इसको मैंने ऊपर की तरफ खींचा, देखो ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे, पहला पॉइंट। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर या इस स्ट्रक्चर में ये है दोनों के दोनों ब्रिज हेड एटम, ये देखो, और इसको देखोगे तो ये है दोनों आपके ब्रिज हेड एटम। अब जो बच गए वो ब्रिज, दो ही चीजें देखनी, ब्रिज हेड के बाद जो बच गए वो ब्रिज हेड, वो ब्रिज कहलाते हैं। अब देखो इस ब्रिज में इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ये, तो दो ही कार्बन है, ये इसको यहां से कनेक्ट कर रहा है, देखो इसमें भी दो ही कार्बन है, और ये इसको कनेक्ट कर रहा है इसके थ्रू, तो इसमें भी दो कार्बन है, तो एक्स वाई जेड की बलों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब तरीका देखो फिर सेम वही, सबसे पहले अपना वही टू डिग्री पी वन डिग्री पी ब्रैकेट डब्ल्यू आर वन डिग्री एस टू डिग्री एस। चलिए इशू करते हैं डब्ल्यू आर, ये पहले ब्रैकेट का काम, ब्रैकेट के काम में क्या लिखोगे देखो, देखो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू में कोई अंतर है क्या?
दो सर टू डॉट हो गया और आपके पास ट्रिक है कि इसका सम टोटल इसको जोड़ लो तो इसको जोड़ोगे तो टोटल आएगा छ जो कि इनका जोड़ है इनका जोड़ नहीं है इन दोनों को बाद में जोड़ दो तो दो प्लस दो में दो और जोड़ दो तो ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया एन और ये बाई साइक्लो है तो ये उसका नाम बन गया अब IUPAC नाम बन के टिका अब नाम बन yes, सर आया मेरे को पता है चौथे एग्जाम होते तो और स्पीड आ जाएगी यस सर अब आ गया अच्छे से हाँ बेटा अब प्रियंका ब्रैकेट में करो बेटा ये जो नंबर होते हैं ब्रैकेट में होते हैं बेटा अब देखो तीसरे एग्जाम्पल तक पहुंचते पहुंचते आपको अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया और अब मैं वापस से बोल सकता हूं कि किसी भी बाइक साइकिलों में दो चीजों की वैल्यू होती है सबसे पहले ब्रिज हेड का कब्जा ब्रिज हेड दो ही होते हैं उसके बाद जो तीन बचते हैं वो ब्रिजेस कहलाते हैं तो ये होते हैं ब्रिज और ये तीन होते हैं ब्रिजेस अब देखो मैं एग्जाम्पल में बदल रहा हूं जैसे मान लो मैंने लिखा एस अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकता था देखो ये अगर आपको 3D समझ में आ जाए तो यही स्ट्रक्चर ये वाला मैंने क्या किया इसको पकड़ के यूं ले गया दुनिया अब आप चेक करके देखो आपको इसका बड़ी आसानी से नाम पकड़ में आ जाएगा बिल्कुल सही भावेश बिल्कुल सही पकड़ा आपने बेटा शाबाश तो इसमें सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर कि आज के बाद जब भी बाईसाइकिल आ जाए सबसे पहले ब्रिज हेड का कब्जा करो जरूरी है ब्रिज हेड देखो साफ दिखाई दे रहा है ये ब्रिज हेड अब इस ब्रिज हेड और इस ब्रिज हेड के बीच में इसके पास एक कार्बन है इसके पास जीरो कार्बन है इसके पास दो कार्बन है अब आप चेक कर लो आप नाम कैसे लिखोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले बाई साइक्लो ये ब्रैकेट स्टार्ट अब देखो ब्रैकेट में अंक कैसे लिखोगे सबसे बड़ा अंक है दो ये रहा डॉट दो डॉट एक डॉट जीरो देखो ये हो गया और अब डब्ल्यू आर कैसे निकलेगा इनका जोड़ निकाल लो तो दो और एक तीन तीन में ये दोनों जोड़ दो तो ये हो गया पांच ये हो गया पेन टेन और ये रसूल ये आपका नाम बन के तैयार अब बताओ जब आपने शुरू किया और जब आपने चौथे एग्जाम्पल पे खत्म किया अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सबने बिल्कुल सही आंसर लिखा लेकिन बेटा लव डॉट लगा दो बेटा बीच में डॉट लगती है बेटा तो आप तीनों के अंदर डॉट लगाओगे तीन डिजिट आएंगी एक्स वाई जेड अब बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं पहले उनसे अपने आप को चेक कर लो प्रैक्टिस ये लो जी तीन एग्जांपल मैंने दिए तीनों के IUPAC बनाइए
टर्न सर कर गया वेरी गुड बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो देखो सबसे पहले आप पहचानना सीखो, जल्दबाजी मत करना। सबसे पहले तो पहचानो ये तीनों बाइसाइक्लोन है, पहला स्टेप। फिर ब्रिज हेड को पकड़ना सीखो, ये रहे ब्रिज हेड्स, ये देखो ये हमारा काम नंबर सेकंड। अब शुरुआत करते हैं, सभी के सभी बाइसाइक्लोन है, तीनों के तीनों बाइसाइक्लोन है, ये देखो तीनों के अंदर शुरुआत होगी बाइसाइक्लोन। अब यहां से शुरू हुई ब्रैकेट, अब ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए इसका ब्रैकेट अगर कर लें तो देखो इस ब्रिज हेड में यहां तीन, यहां पर आपके तीन और ये आपका एक, तो नंबर बनेगा 3.3.1। अब अगर जोड़ते हो तो तीन और तीन छह और एक सात, सात और दो नौ, तो ये बन गया नौने। तो चेक करो आपका ये आंसर बना सबसे पहला। अब दूसरा बिल्कुल से, अब बाइसाइक्लोन तो दोनों ब्रिज के बीच में देखोगे यहाँ दो कार्बन, यहाँ दो कार्बन, यहाँ जीरो, और बनेगा 2.2.0। और जोड़ोगे तो दो और दो चार और दो छह हेक्सीन। अब यहाँ आ जाओ, इस दोनों ब्रिज को जोड़ने वाला एक, इन दोनों ब्रिज को जोड़ने वाला ये एक, इन दोनों ब्रिज को जोड़ने वाला ये एक, तो ये हो जाएगा 1.1.1। तो इसको जोड़ोगे तो तीन, तीन और दो पांच, तो 15। अब आप चेक कर लो आपके सारे बाइसाइक्लों के बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है। सही है सर। यस सर। यस सर, राइट है पूरा। अब मेरे को पता है, मैं जानता हूँ ना आप लोग घबराहट करके एकदम से, क्योंकि हमें तो पता है टीचर को कि कब जाके वो सही समझ में आएगा, तो हम उस चीज का इंतजार करते हैं। आप पहले भी बोलते सर कैसे, कैसे कैसे कैसे, कुछ नहीं सर, धीरे धीरे आते हैं। अब देखो मैं थोड़ा हायर लेवल ले रहा हूँ, यहाँ तक सब क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब हेडिंग चेंज कर लो, नंबरिंग इन बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो में अंकन देना। अब की बार दे रहे हैं नंबरिंग इन बाइसाइक्लो, बाइसाइक्लो में अंक प्रदान करना। तो बाइसाइक्लो में अंक कैसे प्रदान होता है उसको समझ लीजिए बेटा। सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट नंबर टू एनी ब्रिज हेड एटम, किसी भी ब्रिज हेड एटम को पहला नंबर दो। क्लियर? स्टेप नंबर सेकेंड, उसके बाद एक्स को, क्योंकि एक्स बड़ा है, तो जो ये एक्स जो है वो बड़ी वाले है, बड़ी रिंग, इसके बाद आपको बड़ी रिंग को देना। स्टेप नंबर थर्ड, उसके बाद वाई को, और स्टेप नंबर फोर, उसके बाद जेड को। बस हो गया नंबर, इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है, बस ये रहा छोटा सा पॉइंट कि बाइसाइक्लो को नंबरिंग करते समय सबसे पहले ब्रिज हेड को, फिर बड़ी रिंग को, फिर छोटी रिंग को, फिर सबसे छोटी रिंग को। अब आपको कि कैसे, देखो अब मैं समझाता हूं, समझना। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, ये अब देखो जैसे इस समय ये स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम नंबरिंग दें तो आप सोचो इस समय ये है ब्रिज हेड, तो नंबरिंग कैसे देंगे? पर इसका ब्रैकेट जब आप लिखोगे तो बोलिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो आप। थ्री, उसके बाद टू वन। आपने ये ब्रिज हेड को नंबर वन दिया। अब सबसे पहले x में जाओ तो 1 के बाद ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, देखो x पूरा हो गया। अब किस में जाओ? y में, ये y, तो ये 6, ये 7, देखो ये y भी कंप्लीट हो गया। और अब आ जाओ यहां पर आपका z, तो ये आपका नंबर हो गया ये 8, ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग का स्टेप अच्छी तरह से स्नैपशॉट कर लो।
सर एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज टिक्की बिंदी जेवर वगैरह डालो, अब इसका आप श्रृंगार करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ जोड़ दिया OH, मैंने यहाँ जोड़ दिया डबल बॉन्ड, मैंने यहाँ पर जोड़ दिया देखो CH3। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन नंबरिंग और रूल अभी भी वही का वही है। अब आप देखो मैं इसका जब नाम दूंगा तो कैसे नाम बनेगा देखना, रूल अभी भी वही का वही है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को अगर नाम देंगे, ये अब देखिए इसके बाद ये रहा आपका 1 डिग्री पी, ये रहा आपका 2 डिग्री पी, ये ब्रैकेट, ये डब्ल्यू आर, ये 1 डिग्री एस और ये 2 डिग्री एस। अब देखिए अपने आईयूपीएसी नियम को चलते हैं पर डब्ल्यू आर, लेकिन पहले ब्रैकेट का काम कंप्लीट कर लो। ब्रैकेट बोलो क्या, ये 3.1 बोले बेटा डब्ल्यू आर में कितने कार्बन? 8 8 में और यहाँ आ गया 1 डिग्री पी में 22 साइक्लो और कितने में कौन भार? 6 में। ये तो सर 6 में था। अब देखो आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार। अब आप सोचिए पेपर में ये स्ट्रक्चर आता, अब आप कैसे करते? देखो ये सर सर आप देखो यार लग रहा मैं तुम लग अब देखो आपके सामने आगे, अब पहचानो अब इसका आईयूपीएसी नाम कैसे बनाओगे। अब आप सबको सब कुछ पता है, अब अपना आप स्टार्ट हो जाओगे। 1 2 3 3 1 2 2 3 4 5 6 7 नाम बनाने से ज्यादा अपने स्टेप को याद रखना। आपका स्टेप है पहले 22 साइक्लो को पहचानो और सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर लो ताकि आपको अंकन समझ में आ जाए नंबर चला कैसे। सबसे पहला काम ब्रैकेट का। थ्री डॉट टू डॉट वन हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 22 साइक्लो को पहचान के ब्रिज हेड का कब्जा करने के बाद ये वाला काम कंप्लीट करते हैं। तो 3, 2 और 1 ये 3.2.1 इससे प्रूव होता है कि हमें पहले बड़ी रिंग में जाना है। अब आप सोचो मैं नंबर 1 इसको दूं कि नंबर 1 इसको दूं, अब आप डिसाइड करो। आप जो कह रहे थे तो देखो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज होता तो बड़ी प्रायोरिटी को नंबर कितना मिलता? 4 दोगे ऐसे में। और मैं यहाँ से चलता तो कितना मिलता? 2 यहाँ से नहीं चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। सोचिए अगर ये यहाँ होता तो क्या बनूंगा? हाँ अगर मैं गया तो ये आपको एंटी क्लॉक का इसका मतलब मैंने इसलिए उस समय छुप रहा था। आप बोलो देखो इसका मतलब ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ये हमने 3 को पूरा कर दिया। अब इसके बाद 5 के पास 6 ये 7 ये हमने 2 को पूरा कर दिया और फिर ये रह गया आपका ए, ये आपका कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर ये हटाए तो देखो ये हटाते हैं
चलिए सब इसको भरना शुरू करते हैं ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये रहा 3.2.1, ये रहा आपका बाई साइक्लो। बोलिए डब्ल्यू आर कितना? 8 8 कितना? 16 16 2-1 और 8 मिथाइल, 8 मिथाइल हो जाएगा। तो सर आपका आंसर बन के तैयार। अब बोलिए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर करेक्ट है। अब आप समझ में आ गई तो होमवर्क दे दूं? यस सर। यस सर नोट करने दो सर। हाँ नोट करो नोट करो। सर आज थोड़ा ज्यादा मजा आया केमिस्ट्री क्लास में। इसमें आपको क्या होता है, पेशेंस रखना है बहुत धैर्य का। सर क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो या इंजीनियर बनने जा रहे हो तो ध्यान रखो पेशेंस से सीखना है। बहुत धीरे धीरे आप पहले अच्छी तरह से समझते जाओ फिर उसके स्टेप सुनाओ कि मुझे ऐसा चलना है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। रोज ही आता है मजा। रोज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे मुंह पे बोल रहे हो? दीप्ति बोल रही है सर बहुत मजा आया अभी। वेरी गुड थैंक यू बेटा। चलिए तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क चेक कर लेना बेटा। बहुत मजा आया सर। हाँ तो चलो होमवर्क चेक करो, इनके नाम आपको दे रहे हैं। नंबर वन ये तीन आपको मैं दे रहा हूं, इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। कल हम इसको बकायदा चेक करेंगे और आपको अब आपका आईयूपीएससी लगभग 100% खत्म हो गया है। कल केवल एक छोटा सा पार्ट जो बहुत कम आता है स्पायरो, कल मैं स्पायरो की नॉलेज लूंगा और अपना आईयूपीएससी खत्म। फिर आप कोई से भी क्वेश्चन करिए आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर सर ये दूसरा में कैसा है? दूसरा बीच में सर ये कटा हुआ है क्या? CH3 ना सर? सर दोनों तरफ CH3 है बीच में। आप बॉन्ड लाइन को भूलो मत, बॉन्ड लाइन सिक्स है। सर साइड साइड तो सर बीच में कार्बन होगा। तो मैं होप करूं कल अपन ये काम कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर प्लीज साइन। यस सर। अच्छे देख लो अच्छे से। इसके बाद फिर मैं शुरू करने वाला हूं बेटा आइसोमेरिज्म समावयवता। कल से मैं आपको समावयवता की टेक्निक ट्रिक शुरू करूंगा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके डियर सेंट बाय। गुड नाइट सर। धन्यवाद सर, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। बाय सर। गुड नाइट सर, बहुत मजा आया। थैंक यू। गुड नाइट टू ऑल। सुनो पाठों में क्या दिया है? मिथाइल मिथाइल।
लोग को आज ही मजा आया क्या? नहीं, हर दिन आता है, ऐसा नहीं है, आज थोड़ा ज्यादा आया। क्यों आया वैसे आज? यार तू बता ना, मकड़ी के जाले का तू नाम लिखेगी तो तेरे को कैसा लगेगा? ओके ओके सही है, सही। यहाँ से कर्सर को नीचे ला, वीडियो पर क्लिक कर, वीडियो ऑफ हो जाएगा। जो फिफ्थ स्ट्रक्चर में जो मिथाइल